नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रजापत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट विशाल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों कि अगर आप एक पेटीएम यूज़र हो तो आपको अपने जो है पेटीएम को सिक्योर किस तरीके से रखना चाहिए। दोस्तों, अभी काफ़ी ज़्यादा जो है पेटीएम की तरफ से ऐसे केस बन चुके हैं, पेटीएम के ऊपर ऐसे केस बन चुके हैं जिसमें दोस्तों यूज़र के जो है 50,000 रुपये, 1-1 लाख रुपये जो है एक सेकेंड के अंदर जो है उड़ा लिए गए हैं। और दोस्तों, ये किस तरीके से हुआ, ये क्या उसने गलती की और आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, और दोस्तों किस तरीके से आप उसको जो है सिक्योर रख सकते हो, आज की इस वीडियो मैं आपको जो है पूरा कवर कर देने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखेगा, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको जो है वो केस बता देता हूं कि वो केस किस तरीके से बना है और वो केस किस तरीके से जो है उस पर लागू हुआ। तो गाइस, एक जो है बंदा था, उसने अपने जो है फेसबुक पर ओएलएक्स पर जो है अपने कुछ सामान को सेल करने के लिए जो एड लगाया हुआ था, मतलब सामान को सेल करने के लिए उस पर पोस्ट डाली हुई थी। तो पोस्ट डालने के साथ साथ दोस्तों हुआ ये कि काफ़ी सारे यूजर्स को जो है वो पसंद भी आया और काफ़ी सारे यूजर्स ने उससे कॉन्टेक्ट भी किया। बट दोस्तों, हैकर्स ये होते हैं, हैकर्स वो मैं आपको बताता हूँ कि हैकर किस तरीके से जो है मास्टरमाइंड होते हैं और वो आपसे ज़्यादा जो है दिमागदार होते हैं। तो गाइस, हैकर ने एक उसको जो है मैसेज किया कि हम जो है भाई, तेरा जो प्रोडक्ट है हमें काफ़ी सारा जो है काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तेरा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा और मैं इसको जो है खरीदना चाहता हूँ। तो उसने कहा, अच्छी बात है, खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो आप, मैंने खरीदने के लिए ये डाला हुआ है। तो डालने के साथ साथ दोस्तों हुआ ये कि उसने ये बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, मैं जो है तुम्हें पेटीएम कर सकता हूँ या फिर दोस्तों मैं तुम्हें जो है गूगल पे कर सकता हूँ। तो दोस्तों उसने कहा कि ठीक है, गूगल पे कर दो या फिर पेटीएम कर दो, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, उसने किया ये कि एक जो है वहाँ पर ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट मनी का, रिक्वेस्ट मनी का। जैसे ही दोस्तों आप जो है अगर किसी को रिक्वेस्ट मनी डालते हो तो दोस्तों उसकी तरफ एक नोटिफिकेशन जाता है। उस नोटिफिकेशन जाने के साथ साथ दोस्तों जैसे ही आपका जो है आप किसी को पेमेंट करते हो तो उसको जो है ओटीपी डालना पड़ता है। तो उस बंदे ने ये बोला कि मैंने जो है आपको पेमेंट भेज दिया है, 50,000 रुपये मैंने आपको जो भेज दिए हैं। और भेजने के साथ साथ दोस्तों उसने ये बोला कि आप जो है अपने नंबर का ओटीपी उस पर डालकर जो है आप पेमेंट रिसीव कर लीजिए। तो उसको ये पता नहीं था, तो उसने जो है ओटीपी डालकर जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, एक्सेप्ट करते ही दोस्तों उसके बैंक से जो है 50,000 रुपये जो है कट चुके हैं। कटने के बाद दोस्तों उसने बोला कि वो पेटीएम यूज़र जो भी था जिसके पैसे कटे, जो बंदे ने पोस्ट डाला हुआ था उसके पैसे कटे, तो उसने वापस उसको जो है कॉल किया। कॉल करने के बाद दोस्तों उसने बोला कि मेरे जो है 50,000 रुपये कट गए हैं, ये क्या बात हुई। तो वो बोलता हैकर, उसने हैकर ने ये बोला कि भाई मुझसे जो है गलती से हो गया, मैं आपको जो है अपना जो है पेमेंट गूगल पे पर दे रहा हूँ। तो गूगल पे पर भी उसने वापस यही काम का यूज़ किया, यही जो है मेथड का यूज़ किया, उसने वापस रिक्वेस्ट मनी डाला और रिक्वेस्ट मनी डालते ही उसके 50,000 रुपये फिर से जो है कट गए। तो कटने के साथ साथ दोस्तों 1 लाख रुपये उसके जो है सफाचट हो गए, 1 सेकेंड के अंदर भी उसको जो है टाइम नहीं लगा, वो शॉक हो गया दोस्तों कि मेरे साथ ये क्या हो गया। तो गाइस, इसी तरीके से जो है काफ़ी सारे हैकर्स जो है इस तरीके से अकाउंट को जो है साफ कर लेते हैं, एक मिनट के अंदर उसका जो है 1 लाख रुपये उड़ गया है। तो गाइस, इस तरीके से आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप पेमेंट रिसीव करते हो, सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप पेमेंट रिसीव करते हो तो दोस्तों आपको कोई भी ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सामने वाले बंदे को जो है ओटीपी डालना पड़ता है क्योंकि सामने वाला आपको जो है पेमेंट कर रहा है। अगर आप रिसीव कर रहे हो, पेमेंट ले रहे हो किसी से, तो आपको जो है कोई भी ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात दोस्तों, अगर कोई आपको रिक्वेस्ट मनी करता है तो रिक्वेस्ट मनी डालने के साथ साथ दोस्तों वो होता ही है कि मैंने आपको जो है रिक्वेस्ट मनी डाला है कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, अगर आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो तब आपका जो है बैलेंस कट के मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दोस्तों, आप अपने जो है पेटीएम को या फिर दोस्तों अगर आपके ऐसे कुछ वॉलेट्स हैं जिसमें आपका जो है काफ़ी सारा जो है पैसा पड़ा रहता है, तो उस पर दोस्तों आप एक सिक्योरिटी कोड लगा के रखिए या फिर सिक्योरिटी जो है पासवर्ड लगा के आप रख सकते हो, ताकि कोई भी बंदा उसको ओपन भी ना कर सके। और 2-स्टेप वेरिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों, आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन उस पर कर सकते हो, अपने सोशल अकाउंट्स पर भी 2-स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो, जिससे दोस्तों कोई भी अगर आपका बंदा आपके अकाउंट को खोलता है या फिर कोई भी अनजान बंदा आपके अकाउंट को खोलता है तो फटाफट से आपको जो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन को अगर आप कन्फर्म करते हो तभी आपका जो अकाउंट ओपन हो पाएगा, वरना आपका जो अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। तो गाइस, इसी तरीके से काफ़ी सारे हैकर्स जो है इस तरीके से पैसा साफ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आज सोशल मीडिया का जो है ज़माना है, तो सोशल मीडिया के ज़माने में थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा ताकि आपका पैसा जो है बिल्कुल सेफ रह सके। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, हमें टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हो, टिकटॉक पर भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में आपको जो है
डालने लग गया हूँ और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप जो है देख सकते हो। टेक्निकल सपोर्ट विशाल के नाम से जो है मेरा टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है, तो गाइस उसको फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सिक्योर रहिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।